प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के एक ही जिले में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे विजयपुरा से होगी। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दोपहर 3:30 बजे कर्नाटक में अपनी रैली विजयपुरा में ही संबोधित करेंगी। पिछले करीब 1.5 साल बाद सोनिया गांधी की ये पहली रैली है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने यूपी, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था। पीएम की कर्नाटक में आज होने वाली 3 रैलियों में सुबह 11 बजे विजयपुरा के अलावा दोपहर 2 बजे कोपल और शाम 4:30 बजे बेंगलोर में रैली है। वहीं सोनिया गांधी की इकलौती रैली के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुबह 11 बजे गौरी बिदनूर, सुबह 11:30 बजे चिक्का बल्लापुर, दोपहर 1:30 बजे टुमकुर और दोपहर करीब 2:30 बजे टिपटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 3 दिन बाद 12 मई को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कर्नाटक के चुनावी रण में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए की नीतियों से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। मनमोहन ने नोटबंदी और जीएसटी को मोदी सरकार की 2 बड़ी गलतियां बताया। The losses the economy suffered due to these blunders have severely hurt. वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार को बेरोजगारी विरासत में मिली है। पीएम ने नमो ऐप के जरिए आज कर्नाटक के बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के 60 साल का काम नहीं बता पाती बल्कि झूठ बोलती है। 60 साल में क्या अच्छा किया वो भी बोल देते, लेकिन कुछ है नहीं क्या बोले। तब उनके यहाँ सरल रास्ता रहता है, भाजपा पे आरोप लगाओ, झूठ फैलाओ, बार बार झूठ फैलाओ, ये उनका तरीका तो है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया है और कांग्रेस पर लगाए आरोपों के लिए माफी की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा और भारतीय जनता पार्टी को 6 पन्ने का कानूनी नोटिस भेजा है। सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से चुनावी भाषणों के दौरान कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों के लिए माफी की मांग की है। इस नोटिस में राज्य में बीजेपी के चुनावी विज्ञापन का हवाला दिया गया। इस विज्ञापन में सिद्धरमैया सरकार को निशाना बनाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर बीजेपी और पीएम मोदी ने माफी नहीं मांगी तो वह आपराधिक और मानहानि का मुकदमा करेंगे। इस मामले में 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे की बात कही गई है।